गणेश जी को उधर डाल दो। ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी चल रही है और जॉइनिंग आ गई है, सो इट्स अ गुड। बस रिधा बस, इतनी नहीं बेटा। तो एक ब्रेक के बाद जाने में थोड़ा सा चैलेंजेस तो आते ही हैं। क्या हाल चाल? नेचुरल गणपति की बार यहाँ पर सजाया। एलेक्सा स्टॉप, क्या कह रहे हो? गुड मॉर्निंग। नेचुरल गणपति जी आपसे हमारे से, ये गणपति जी। गुड मॉर्निंग। ये गणपति जी, ये देखो हाथी भी गणपति जी, हार भी लाए हुए हम। अरे वाह, वेरी नाइस। रिदा से करवाएंगे, मैं तो सोच रहा था। बस आ रही है वो रेडी होके, मैं लाती हूँ उसको तैयार करके। ठीक है जी। सिंदूर हो ना तो इस पत्थर वाला, वो भी लगवा देंगे। चल मैं देखती हूँ। मम्मी सोई भी है तो। ठीक है देखती हूँ। चल मैंने बनाया मैं कल। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे आप सब लोग? आंखें हो गई है मेरी काली, बिकॉज रात को मैं बिना काजल उतारे सो गई। सो कैसे आप सब लोग? सुबह हो चुकी है और रिदा का टिफिन हो गया है रेडी एंड शी इज गेटिंग रेडी। और बस आपको दिखाते हैं आज उसके टिफिन में मैं क्या भेज रही हूँ। स्टार्ट विद स्प्राउट्स, एप्पल्स और बैम्बिनो याकुल्ट और ओरियोज। तो ये है उसका टिफिन और सेठी साहब भी उठ गए हैं। दादू सेठी है अरेन समथिंग स्पेशल। ये हमारे छोटे से गणेश जी हैं पत्थर के बने हुए। दादू ने कहा कि रिदा के लिए मैं स्पेशल करूंगा। रिदा, दादू हैज अरेंज्ड फॉर गणेश चतुर्थी। ये हमारे घर में गणेश जी से पहले ही थे। देखो ये गणेश जी है, इनका मुकुट है, ये इनकी सूंड है ना, हमारे घर में पहले ही से थे। ये भी गणेश जी हैं, ये भी सूंड है उनकी। ये दिया था ना किसी पापा के दोस्तों ने, ये तुम्हारे घर में बाग में पहले ही थे। तो कल मैंने कहा जो आज इनका इनको हार बना देते हैं आपके हाथ से। और ये देखो गुलाब भी लाए हैं, तो गुलाब देखो दादू कर रहे हैं रिजा के साथ गणेश चतुर्थी थोड़ी बहुत। गणेश जी के वेरी गुड। एंड ये फूल इधर ये वाले गणेश जी को भी। एंड यस, और फूल चढ़ा दो इनको। ये भी गणेश जी है। अच्छा चलो फूल रख दो इधर सेंटर में। ये देखो इसको हाथ, चलो ये हम रख दो। चलो ये, और ये देखो ये लो, और ऐसे करो और डाल दो गणेश जी को उधर। डाल दो केयरफुल होता। चलो ये भी डाल दो, वो वाली भी डाल दो, ये भी देखो। वेरी गुड। ये लो जी। बागवानी फिर वो ख्याल आया, मैं क्या हमारे घर में तो परमानेंट है। जय गणेश। मैं एक डेढ़ घंटे की नींद लेके उठ चुका हूँ। आज मेरा पहला दिन है इन द न्यू ऑफिस, सो आई एम ज्वाइनिंग इन्वेस्टर्स क्लिनिक। और वहाँ पे आई एम ज्वाइनिंग इन अ डिफरेंट रोल विच आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस। और इसके बारे में बैठ के मैं आराम से बात करूंगा आपसे कि यू नो व्हाट इज माय प्रोफाइल एंड व्हाट इज आई एम यू नो डूइंग देयर। और दूसरी चीज, आप लोगों को किस काम आ सकता हूँ मैं, तो जरूर बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। एक दो दिन जब मेरी ऑफ होगा आराम से बैठ के 3-4 मिनट समझाऊंगा सब कुछ आपको मैं। बाकी ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी चल रही है और जॉइनिंग आ गई है, सो इट्स अ गुड स्टार्ट आई वुड से। एंड लेट्स सी, विश मी ऑल द लक दैट आई नीड। एंड यू नो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपको। ये लोग अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको सुबह शाम दिखा करूंगा आप, विच इज यू नो अ लिटिल चेंज इन आवर व्लॉगिंग, एंड आई एम श्योर यू विल सपोर्ट अस इन ऑल द फेजेस ऑफ दिस। आई एम श्योर दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज लास्ट दो व्लॉग जो भी निकाले उन्होंने बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो, एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कनेक्शन दैट वी हैव रादर देन अ पर्सन बीइंग देयर और नॉट देयर, है ना। तो चलो मिलते हैं आपको जल्दी से, अभी मैं निकल रहा हूँ और फिर शाम को मिलता हूँ आपको। मेरी प्यारी गुड़िया ने क्या बनाया है भाई, दिखाओ। वाओ रुचि, सो प्रिटी बच्चा, सो प्रिटी, लाइक यू, वेरी प्रिटी। और इसमें मैंने सबसे ज्यादा कलर कौन सा यूज किया? आपने ब्लू द मोस्ट। मोस्ट ब्लू क्यों किया मैंने? बिकॉज ब्लू मर्मेड के हेयर है ना, दैट्स व्हाई। डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू। सबसे बताओ दो कलर्स हैं जो मोस्ट है, स्किन एंड ब्लू, राइट? हाउ वाज योर डे? सारे पेपर फट गए रिदा, विल हैव टू कीप देम टुगेदर बच्चा। ये भी फट चुका है, चलो बंदर रख दो, ऐसे मत करो ना। क्या बना रही हो? लेके बैठी है, देखो। पापा का ऑफिस कार्ड। सो गाइस, इट इज राहुल्स फर्स्ट डे टुडे टू द न्यू ऑफिस, और वो चले गए थे सुबह, एंड रिदा इज गोइंग टू मेक हिज कार्ड। आप क्या बनाओगी कार्ड में? बनाओ, पापा के लिए सरप्राइज होगा, बनाओ बनाओ। मैम दो, एक स्टैंडिंग लाइन, दो फीट, और ऊपर एक हार्ट, उसपे पापा। हार्ट शेप में बनाओगे पापा? अच्छा चलो बनाओगे। तो टाइम हो गया रिदा की स्केटिंग क्लास का, पहले हम लोग जा रहे थे रिक्शा से, बट राहुल सेड ही इज कमिंग, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट डाउन और थोड़ा सा वॉक करते हैं, एंड राहुल विल मीट अस एंड देन ही विल ड्रॉप अस। मिलते हैं आपसे स्केटिंग क्लास में। रिदा के पापा हमें मिल गए हैं। हेलो पापा, आ जाओ। आ गए जी? हाँ राहुल आ गए, आ जाओ। बस रिदा बस, इतनी नहीं, इतनी नहीं बेटा, बस बच्चा बस, आई लव यू। अच्छा पहली बार ऐसा पापा देखा है ऑफिस आ रहा है, है ना? तुमने ऐसे पापा देखा नहीं ना आज तक। बस रिदा बस, आई लव यू। कपड़े पहनो, कपड़े नहीं स्केट्स पहनो, गार्ड्स। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। आई नो बहुत ही छोटा व्लॉग रहा है ये वाला, बट जैसे आपने लास्ट क्लिप जो देखी, हम राहुल से मिले, उसके बाद हम स्केटिंग कॉम्प्लेक्स गए थे, बट मैंने राहुल को वहीं पे अपने क्वेश्चंस के साथ ऐसा उसके ऊपर पूरा बॉम्बार्ड कर दिया था। क्या था, कैसे था, कैसा लगा तुम्हें, पहला दिन कैसा गया, लोग कैसे थे, डिड यू लाइक इट, नहीं अच्छा लगा, खाना खाने के लिए कोई साथ में था कि नहीं था, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वाज आस्किंग हिम, किसको कैसा लग रहा है, रोल कैसा लग रहा है। बट आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के तो आंसर देना, इट विल बी टू अर्ली फॉर हिम टू से एनीथिंग, बट मैं तो पूरे अपने उससे पूछने लगी थी सवाल जवाब, बिकॉज यू नो हमारा ब्रेक काफी लंबा हो गया था, तो एक ब्रेक के बाद जाने में थोड़ा सा चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट आई थिंक राहुल विल मैनेज इट वेल, ही हैज दैट मच एक्सपीरियंस कि वो कर लेगा कोप अप इन सब चीजों के साथ। बाकी अब हम मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मगन रहें, अपना ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें। सो टेक केयर गाइज एंड स्टे सेफ, गुड नाइट।